इस समाचार के प्रायोजक हैं मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स, स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में बुधवार की सुबह जोशीली और गर्म रही। हाल ही में आए बीएड फोर्थ सेम के परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट सैकड़ों छात्र छात्राओं ने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के आरएनटी मार्ग परिसर का छात्र नेता के साथ घेराव करते हुए कैंपस में प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कई घंटे तक चले प्रदर्शन के बाद 10 दिन का समय देते हुए छात्रों को शांत किया गया। हाल ही में आए बीएड फोर्थ सेम के खराब रिजल्ट को लेकर डीएवीवी आरएनटी मार्ग परिसर में छात्रों का जमकर हंगामा हुआ। कई घंटे तक चले प्रदर्शन के दौरान छात्र नेता और छात्र छात्राओं ने डीएवीवी प्रबंधन के खिलाफ जमकर अपना गुस्सा निकाला और आए हुए खराब रिजल्ट को लेकर प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया। छात्रों की अगुवाई कर रहे युवा कांग्रेस के पदाधिकारी जावेद खान ने छात्रों के पहुंचने पर मुख्य द्वार पर की गई तालाबंदी को लेकर भी कई तरह के आरोप मीडिया के सामने प्रबंधन पर लगाते हुए छात्रों के साथ अन्याय होने की बात कही। डीएवीवी के परीक्षा नियंत्रक के कक्ष में भी छात्र और छात्र नेता पहुंचे। प्रदर्शन के आखिर में 10 दिनों का समय मामले में जाँच करने के लिए दिया गया। इसके बाद छात्र कैंपस से रवाना हुए। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में बीएड का लगातार रिजल्ट खराब आ रहा है, उसको लेकर हम लोग यहाँ पर आज आंदोलन करने आए थे। यहाँ पर फोर्थ सेम बीएड के विद्यार्थी उपस्थित थे, लगभग सभी कॉलेजों के सैकड़ों छात्र यहाँ पर उपस्थित हुए। हम लोगों ने आंदोलन किया और आंदोलन के माध्यम से हमारी ये प्रमुख मांग थी कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के अंदर यहाँ पर चेकिंग प्रक्रिया में बड़ी गड़बड़ी है, क्योंकि मीडिया पत्रों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि 6200 बच्चों में से लगभग 4-5 हजार के समथिंग बच्चे फेल या एटीकेटी से प्रभावित हुए हैं। आज विश्वविद्यालय के समक्ष हम लोग आए हैं तो वो ये कहते हैं कि एटीकेटी आना तो स्वाभाविक बात है, लेकिन फेल तो कम बच्चे हुए हैं। ये सुस्त रवैये को लेकर आज विश्वविद्यालय से हम लोगों ने कहा है कि आपका इस प्रकार का रवैया हम लोग नहीं सहन करेंगे, लगातार इसके खिलाफ हम लोग आंदोलन करेंगे। हमारी प्रमुख मांग ये है कि आप इनकी चेकिंग प्रक्रिया को सबसे पहले तो सुधारें। यदि आप 10 दिन के अंदर इनका इन बच्चों का रिव्यू करके बताएंगे, सैंपलिंग करके बताएंगे और ये बताएंगे कि इसमें गड़बड़ी आ रही है और वेलुअर पे आप कार्रवाई करेंगे, तो हम इस मांग को लेकर यहाँ से चले जाएंगे। अन्यथा हम लोग लगातार आने वाले समय में आंदोलन करेंगे, हमारी मांग ना पूरी हुई तो। मीडिया से बात करते हुए बुरहानपुर से इंदौर पहुंची एक छात्रा ने हाल ही में आए परीक्षा परिणाम से पूरी तरह असंतुष्ट होना बताते हुए कॉपी चेक करने वालों पर आरोप लगाया। हम मिली मिलियन कॉलेज बुरहानपुर से आए हैं सर, और 3 बार मुझे फेल करा गया है और मैं 3 बार एग्जाम दे चुकी हूँ, बट मुझे अभी तक कोई रिजल्ट सही नहीं मिला है। कौन से सेम का रिजल्ट था और विषय क्या था? फोर्थ सेम और क्रिएटिव। क्या लगता है कि जो कॉपी चेक करने वाले उनकी गलती है? कॉपी चेक करने वाले की गलती, जब हम कॉपी चेक कर आते हैं तो 10 क्वेश्चनों को एक साथ काट दिया जाता है और 0 मार्क दिया जाता है। क्या मांग रखी है आप लोगों ने? हमको बस जितने सभी बच्चे सभी को पास किया जाए। परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट छात्रों से मिलने के बाद डीएवीवी के परीक्षा नियंत्रक ने मीडिया से बात करते हुए छात्रों का यहां आना और प्रदर्शन का होना बताया। विश्वविद्यालय द्वारा बीएड का फोर्थ सेमेस्टर का जो रिजल्ट जारी किया गया है तकरीबन 15 दिन पहले जारी करा है, और उसका जो रिजल्ट का पास परसेंटेज 44% था, तो स्टूडेंट लगातार यहाँ पे यूनिवर्सिटी आ रहे थे और उसमें जो परिणाम आया है उससे असंतुष्ट थे। हालांकि हम लोगों ने यूनिवर्सिटी की तरफ से ये किया गया है कि जो हमारी प्रक्रिया है रिव्यू की, तो वो रिव्यू के लिए वो आवेदन कर सकते हैं और अपने जाके खुद कॉपी देख सकते हैं और कॉपी देख के अपने जो भी ऑब्जेक्शन है वहाँ पे एक फॉर्मेट मिलता है उसमें दे सकते हैं। फिर भी आज थोड़े बड़े लेवल पे एक आंदोलन हुआ है, तो उसके अंदर उन्होंने बोला है कि हमें जो कॉपीज हैं उनको एक बार दोबारा किसी एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट से दोबारा उसको दिखाया जाए और उसका 10 से 12 दिन के अंदर हमें उसका जो डिसीजन दिया जाए। तो हमने उनकी मांग को एक्सेप्ट कर लिया है और हम जल्दी ये वाली प्रक्रिया का पालन करने जा रहे हैं।